जैसे आप इंटर अंदर करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे 30 बेड का व्यवस्था यहाँ पे भी किया गया है। इसी के लिए आपको फायर गैस की व्यवस्था है और जो कि महिला के लिए काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। और काफी अलग अलग रंग बिरंगे आपको बेड शीट मिल जाएगा। जेब कतरों से सावधान रहे कि 2400 घंटा स्क्रीन पर आपको देखा जाएगा कि किस तरह से। जरूरतमंद आदमी होना चाहिए, शराब नहीं पीना है उसको। हमने लेडीज के लिए अलग व्यवस्था कर रखा है। यस, शौचालय में एक पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, शौचालय में जो लोग रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शौचालय का व्यवस्था है। हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल, आपका दोस्त आपके साथ है। तो आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। और यहां आने का मुख्य कारण आपको बताते चले कि यहां भी देख सकते हैं निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल का मतलब नगर निगम की तरफ से इंतजाम किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, जो कि इस तरह से जो इंतजाम है पूरे पटना में लगभग 500 जगह पे किया गया है। अगर आप किसी भी जिला से पटना पहुंचते हैं और ठंड के कारण आपको अस्थायी आश्रय नहीं मिल रहा, तो इस तरह से नगर निगम की तरफ से टेंट में अनेकों जगह पे लगा हुआ। लेकिन हम लोग पटना के गांधी मैदान इसलिए पहुंचे क्योंकि गांधी मैदान पटना का केंद्र माना जाता है। और यहाँ आप आएंगे गेट नंबर 4 के पास तो आपको इस तरह से निःशुल्क अस्थायी आश्रय मिल जाएगा। तो सबसे खास चीज इस जगह के लिए आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पे अस्थायी आश्रय तो है, लेकिन आपको वहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप गांधी मैदान में आएंगे तो इस तरह से देखेंगे तो अस्थायी आश्रय भी मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ही टॉयलेट का भी व्यवस्था है। यहाँ आप देखिएगा तो क्वाइन डालेंगे तो डायरेक्ट आपका डोर खुल जाएगा। जैसे ही आप ई टॉयलेट में आप सिक्का एक क्वाइन डालेंगे तो आपको यहाँ ई टॉयलेट का डोर खुल जाएगा। तो यहाँ पे टॉयलेट का भी व्यवस्था है, देख सकते हैं एंट्री डोर है, यहाँ से एंट्री किया जाता है। और स्थान देखेंगे तो ज्ञान भवन गांधी मैदान के पास है। और सबसे अच्छा लोकेशन आपको बता दें गेट नंबर 4 के पास आएंगे। जैसे ही आप इंटर अंदर करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे 30 बेड का व्यवस्था यहाँ पे भी किया गया है। अलग अलग जगहों पे इसका इंतजाम है और सभी जगह पे लगभग 30 बेड का इंतजाम है। और आपको यहाँ पे पेयजल का भी व्यवस्था है और नगर निगम की तरफ से। और यहाँ पे बेड सीट अनेकों बेड सीट रंग बिरंगे लगाए हुए हैं। और देखेंगे जो अलग अलग मतलब स्लोगन में दर्शाया गया है कि आप यहाँ इस चीज़ को साफ सुथरा रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी अलग चीज़ यहाँ पे मिला है। सेफ्टी के लिए आपको फायर गैस की व्यवस्था है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कि महिला के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। और यहाँ पे घेर दिया गया है जो कि आप महिला के साथ भी आते तो महिला भी रह सकते हैं। और यहाँ इधर देखेंगे तो पुरुष के लिए भी व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग रंग बिरंगे आपको बेड शीट मिल जाएगा। और यहाँ व्यवस्था में यहाँ भी कोई कमी नहीं है। और देखेंगे तो ब्लैंकेट के साथ आपको तकिया दिया गया है और काफ़ी गद्देगदार बेड आपको मिलेगा। और यहाँ सबसे अलग अलग देख सकते हैं स्लोगन लगा हुआ जिसमें आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे थूक थाक भी करना मना है, साथ ही साथ आप यहाँ पे धूम्रपान या नशीली कोई चीज़ नशीली नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं जेब कतरों से सावधान रहे। और यहाँ सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए आप 24 घंटा आपको मॉनिटर के जरिए भी देख सकते हैं, मॉनिटर का भी व्यवस्था है जो कि 2400 घंटा स्क्रीन पर आपको देखा जाएगा कि किस तरह से आप मतलब गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो शुद्ध पेयजल का भी व्यवस्था है और यहाँ पूरी व्यवस्था का देख रेख सर कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ रहने के लिए क्या कुछ देना होगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मनोज कुमार पोद्दार हुआ, जोनल इंस्पेक्टर हुए। अच्छा, नगर निगम में रहने का अगर कोई भी रहता बिहार की किसी जिला से पहुंचता तो यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रहने के लिए दिया जाता है। और कितने दिन? जरूरतमंद आदमी होना चाहिए, शराब नहीं पीना है उसको। अच्छा। खैनी तंबाकू ये सब चीज नहीं यूज करना है। अच्छा। चूंकि हमारे यहाँ लेडीज कंपार्टमेंट भी है और जेंट्स भी है। अच्छा। हमने लेडीज के लिए अलग व्यवस्था कर रखा है, घोड़ करके बनाए हुए हैं, और जेंट्स के लिए अलग है। तो और ये बता दीजिए कब तक ये व्यवस्था रहेगी? ये अभी चलेगा डेढ़ दो महीना, मतलब पूरी ठंड। हाँ हाँ यस यस। यहाँ रहने के लिए क्या देना होगा? ऐसे तो आधार कार्ड का प्रोविजन है, लेकिन जो लोग जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं रहता है उनको भी हम यहाँ सर्विस मैंने दे देते हैं, उनको रख लेते हैं। यस यस, एक मतलब है कि आधार कार्ड रहे तो अच्छा से रह सकते। हाँ हाँ, नंबर एड्रेस वगैरह सब ले लेते हैं क्योंकि किसी तरह का कोई चोरी वगैरह ना हो। तो आपको बताते चले कि ठंड के मौसम में अगर आप पटना आते हैं तो आपको रहने का व्यवस्था नहीं है, तो पटना नगर निगम के तरफ से इस तरह का पूरे पटना में लगभग व्यवस्था की गई है। और सिर्फ आपको आधार कार्ड देना होगा। और यहाँ आएंगे गांधी मैदान में तो सबसे मुख्य कारण आपको बता दें कि बगल में बाथरूम भी है जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, शौचालय में एक पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, शौचालय में जो लोग रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शौचालय का व्यवस्था है। अच्छा, ठीक है। जल का भी कहा, यस, कंबल है, चादर है, तकिया है, पानी की भी सुविधा है। उसके बाद जो सुबह शाम फॉगिंग करवाते हैं, मच्छर का छिड़काव होता है। अच्छा। ताकि किसी को भी मच्छर
ना लगे, काटे नहीं। बड़े अधिकारी को लगातार इस पर नजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कमिश्नर साहब का इस पर बहुत विशेष ध्यान है और बराबर जो है वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन किसी तरह का कोई दिक्कत हम नहीं होने देते हैं। हम भी जो है 2-3 बार आकर के चेकअप करते रहते हैं। हमारे स्टाफ हैं, यहाँ 2-2 स्टाफ हैं, 8-8 घंटे का 6 स्टाफ हैं। वो लोग भी बेचारा बहुत ही कंटिन्यू जो है ईमानदारी के साथ अपना समय से आता है, समय से चला जाता है।